नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, और स्पेशली अगर आप सीएससी आधार यूसीएल चलाते हो, तो आपको सीएससी की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जो पेनल्टी रूल्स है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इन पॉलिसीज़ का, इन गाइडलाइंस का बार बार वायलेशन करते हैं तो आपको परमानेंटली आपका सीएससी आईडी जो डिलीट किया ही जाएगा, साथ ही में आपका सीएससी का लोगो या फिर सीएससी का नाम यूज करने से पहले प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से अगर आप कभी इन फ्यूचर इसका उपयोग करते मिलते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक्चुअल में वो क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोज लाने का। और अगर आपने अभी तक वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पर हमें ज्वाइन नहीं किया, कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं पड़ता है। और आज के अपडेट बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसा कि यार आप देखोगे, हमारे सीएससी के जो भी डीएसके ग्रुप हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स डीसीज की तरफ से, आई होप आपके यहाँ पे भी ऐसे कोई मैसेज बताए होंगे जिसमें पूरी गाइडलाइंस के बारे में पूरा स्पष्ट चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताए दे रहा हूँ और इंपॉर्टेंट लिंक भी दे दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप ये पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो। सीएससी आधार यूसीएल सेंटर न्यू गाइडलाइन एंड पेनल्टी रूल फॉर वीएलई, ठीक है, ये दोनों वीएलईज के लिए, जिनका आधार यूसीएल चल रहा है और जिनका नहीं चल रहा है, दोनों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सीएससी की तरफ से कोई भी सर्विस जब लॉन्च की जाती है, अभी तक क्या था कि कोई भी सर्विस में आप अपने तरीके से काम करते थे, लेकिन अभी क्या है कि सीएससी की तरफ से जो भी उसकी गाइडलाइंस बताई जाती हैं, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है और उतना ही अमाउंट चार्ज करना है। अगर आप उससे ज़्यादा चार्ज करते पाए जाते हैं तो आपका सीएससी आईडी परमानेंटली डिलीट करने के साथ आपके सेंटर पे सीएससी का लोगो यूज़ करने से आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, भले ही आपका आधार यूसीएल सेंटर चल रहा हो या ना चल रहा हो, ये सभी सर्विसेज के लिए है। बाकी यूसीएल सर्विस के लिए एक्सक्लूसिव क्या है वो मैं बताए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, सीएससी बीसी द्वारा चलाए जा रहे आधार ऑनलाइन डेमोग्राफिक अपडेट सेंटर में रेट चार्ट बाहर और अंदर दोनों जगह लगा होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपका आधार यूसीएल का काम चल रहा है, रेट चार्ट नहीं लगा है, या लगा है तो अंदर लगाया है, बाहर लगाया है, एक ही जगह लगा है, दोनों जगह लगा होना चाहिए, ठीक है। पंजीकृत सीएससी बीसी केंद्र में यूसीएल के कार्य को वीएलई को करना है, अन्य किसी जगह पर पाए जाने पर सेंटर निरस्त किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब, जिसके नाम से सेंटर है, जिसके नाम से अप्रूवल है, जिसने सीफी का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, वीएलई को ही केवल आधार करेक्शन का काम करना है, अदर कोई अगर करता हुआ पाया जाता है तो सेंटर निरस्त कर दिया जाएगा सीएससी की तरफ से और यूआईडी की तरफ से। सेंटर्स पे इस समय विजिट किए जा रहे हैं, तो अगर आपका आधार यूसीएल सेंटर चल रहा है तो बहुत ही सतर्क होकर इस समय काम करिएगा। और आगे लिखा हुआ है, यूआईडीआई सीएससी एसपी टीम द्वारा वीएलई यूसीएल केंद्र का कभी भी दौरा किया जाएगा, अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता पाया जाता है या आधार अपडेट के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है तो यूसीएल केंद्र और सीएससी आईडी को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूआईडी और सीएससी एसपीवी की टीम, ठीक है, दोनों यूसीएल सेंटर का दौरा कर रही हैं, और अगर और कोई दुर्व्यवहार करता पाया जाता है या आधार अपडेट के लिए अतिरिक्त शुल्क लेता है तो यूसीएल और सीएससी आईडी को तुरंत बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी केवल यूसीएल ही नहीं, सीएससी आईडी भी बंद किया जाएगा। आधार अधिनियम 2016 के अतिरिक्त अनुसार संबंधित वीसी वीएलई के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, और नवीनतम यूआईडीआई ओएमयू के अनुसार 6/4/2021 ऐसे मामलों में जो भ्रष्टाचार की प्रति घटना 50,000 से लगाकर 1,00,000 रुपए काटा जाना है, ठीक है, यानी कि इतने रुपए आपको जुर्माना लगेगा या चालान समझ लीजिए आपका एक हिसाब से काटा जाएगा, जितने केस होंगे, अगर आपके खिलाफ 50 लोगों की रिपोर्ट है तो उसमें 50 लोगों के हिसाब से आपका 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये जो भी आपके ऊपर जुर्माना लगेगा वो 50 लोगों के हिसाब से प्रति घटना के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही आप एहतियात रखें इस चीज़ में, सिर्फ ओरिजिनल दस्तावेज पर ही कार्य करें, फोटोकॉपी मान्य नहीं है। जो भी अगर कोई करेक्शन कराने आता है तो आपको उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ ही अपलोड करनी है, फोटोकॉपीज़ पे आप काम मत करिए, ठीक है, अदरवाइज आपका यूसीएल सेंटर ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है। लगातार बोले जाने के बाद कई लोग यूआईडी नियम के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अपने प्रत्येक एनरोलमेंट की समीक्षा यूआईडी द्वारा की जाती है, अतः दिए गए नियमों के अनुसार कार्य करें। यदि किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो इस दशा में यूआईडी द्वारा दिए गए फॉर्मेट का ही उपयोग करें, अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। केंद्र पर सभी को रजिस्टर अवश्य रूप से बनाना है, न पाए जाने पर सेंटर निरस्त किया जाएगा।
सॉफ्टवेयर टेम्परिंग और रबर प्रिंट का उपयोग की सूचना सीएससी आईडी व यूसीएल आईडी दोनों ब्लॉक कर दी जाएंगी। ठीक है, कहने का मतलब कई लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में टेम्परिंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, या रबर प्रिंट फिंगरप्रिंट वीएलई की जगह उसके फिंगरप्रिंट बनवा के उसके से यूसीएल सेंटर चलाते हैं। तो ऐसी अगर कोई सूचना देता है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो इमीडिएट सीएससी आईडी यूसीएल आईडी बंद कर दी जाएगी। ठीक, प्रत्येक बीसी को प्रतिदिन कम से कम 5 लेन देन करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बीसी बंद हो जाएगा तो यूसीएल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सेंटर प्रतिदिन ओपन कर सकते हैं नेशनल हॉलीडे को छोड़कर, यानी कि जब कोई सरकारी छुट्टी होती उस दिन सेंटर बंद करेंगे, बाकी सभी दिन आप सेंटर खोल सकते हो। और कोई अगर समस्या है, कुछ आपको बैनर पोस्टर वगैरह डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, इस पर जाके आप जो है बैनर पोस्टर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सेंटर पे जो यूसीएल का मैनुअल है उसकी सारी फाइलें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद।